मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को किसी भी एक एसिड, हमारे पास जो एसिड लिया है हम लोगों ने, वो क्या है हमारे पास एक डाइल्यूटेड एसिड है जिसका नाम है HCl, ठीक है, विच इज पेल येलो इन कलर। ठीक है, हमने क्या लिया है, कुछ मैग्नीशियम के टुकड़े लिए हैं, उनको हम लोग क्या लिया है, पीसेज में कन्वर्ट किया है। देन हम लोग क्या करेंगे, इन जब किसी मेटल को हम लोग क्या करते हैं, एसिड के अंदर ड्रॉप आउट करते हैं, तो हम लोग को पता है जब भी मेटल को क्या किया जाएगा, एसिड के अंदर डाला जाएगा, तो उसमें क्या होगी, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, जो कि आपको इसमें दिख रहा होगा, हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, इवोल्यूशन दिख रहा है। अब ये बात तो हम लोग को सबसे पहले पता है, अगर हमारे पास क्या था, यहाँ पर HCl था, तो HCl क्या करेगा, यहाँ HCl की रिएक्शन होगी Mg के साथ, तो फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर MgCl2 फॉर्म होता है, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, और हाइड्रोजन गैस की क्या हो रही है, इसमें से वेपर्स मतलब की फ्यूम्स निकल रही है यहाँ पर। और ये पता है हाइड्रोजन गैस क्या होती है, फ्लेमेबल गैस है, और अगर इसको हम कलेक्ट करेंगे, ये पॉपिंग साउंड को प्रोड्यूस भी करती है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी एक बार देखेंगे किस तरीके से वो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है।